सबको नमस्ते। सारा जनता, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि हमारा जो टोको शीतल दीदी है उसको हम रिप्लाई करने के लिए बना रहा हूँ। उन्होंने हमें बहुत हमारा ऊपर में करप करप कहा और मुझे बदवा दिखा। हमारा टोको शीतल दीदी जी, आपको हम ऑनर करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। आप मेरा माँ का सम्मान है, इसलिए आपको हम हमेशा रेस्पेक्ट करता है। और क्या करता था और अभी भी करता है, आप हमको इतना गलत तक नहीं कहना चाहिए। अपना बेटा समझ के, भाई समझ के आप हमको कुछ हद तक आप हमको सोचना चाहिए था। आप हमको इतना गलत गलत कहा है, इतना बदवा दिया, इतना कर्ज दे रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। शीतल दीदी जी, आपको हम थोड़ा सा एक दो शब्द रिप्लाई देना चाहूँगा। हमने 28 डेज धरना रखा, आप तो कभी विजिट करने आया नहीं है, कभी आपका नाम मालूम नहीं है। हमारा जो मैनेजमेंट कमेटी, रिसोर्स कमेटी और आप लोग ने मिल के प्लानिंग करके आपने अचानक से हमारा टीम एएसी को बदनाम करने के लिए, बर्बाद करने के लिए आपने टीम में घुस आया। आप जब से घुसा है हमारा टीम में, साथ देगा बोल के एक्टिंग करके आया है शीतल दीदी। जब से आप घुसा है, हमारा टीम धीरे 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 दो डिवाइड होने लगा है। ये आपका वजह से है। आज जो कुछ भी सोशल मीडिया में एक दूसरे ट्रोल कर रहे हैं, एक दूसरे लड़ाई कर रहे हैं, ये आपका वजह से है। आप जब हम लोग का टीम में ज्वाइन नहीं था, हमारा टीम बहुत स्मार्ट चल रहा था, बहुत स्मूथली चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था। जब से आप गुस्सा है, जब से आप हमारा टीम में ज्वाइन किया है, तब से ले करके हमारा टीम धीरे 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 बर्बाद हो गया। आपको हमने बंगाल बॉर्डर में रुकने के लिए कहा, आप मेरा बात माना नहीं। कमेटी आप लोग पूरा पॉलिटिक्स करके आगे, मेरा बात कोई निगलेक्ट करके आप लोग आगे चला गया। आप हमको ही ओवरटेक कर दिया शीतल जी, आप अपना ही भाई को ओवरटेक कर दिया, हमको ही छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया। एसोसिएशन का, ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से तो हम एक प्रेसिडेंट हैं, सब कुछ डिसीजन मेरा हाथ में होता है और हमको मानना चाहिए। हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं उसको भी आप लोग की तरह मानना चाहिए। अब तो मेरा बात ही तारीख निगलेक्ट कर दिया। कमेटी मिलकर आप लोग ने पॉलिटिक्स ऐसे पॉलिटिक्स खेला है कि हमको ही तारीख पीछे छोड़ा, हमको ही तारीख लात मार दिया। दो दिन में ये बिहार पहुंच गया, दुनिया को झूठ बोल के दिखा रहे हैं। हम ईटानगर से कूदमाच करके आए, एक्टिंग करके दिखाना शुरू हो गया। हम तो बहुत दिल से दुख हो रहा है, सच में बहुत दुख है। शीतल दीदी जी, आपने जो हमको कर्ज कर रहा है, आपने जो हमको इज्जत पिला रहा है, तहर भाई बहुत खराब है, धोखा दिया है, ऐसे ऐसे आदमी है, ऐसे बोल रहे हैं। शीतल दीदी जी, मैं भी कहता हूँ, छोटा भाई होने के नाते मैं भी कहता हूँ, आज लोग मुझे आज जान रहा है उससे भी ज़्यादा, शीतल दीदी जी उससे भी ज़्यादा आपको जानता होगा। आप कैसे व्यक्ति हैं, आप कैसे इंसान हैं, हम कैसे इंसान हैं, लोग हमसे भी ज़्यादा आपको जानता है। शीतल दीदी जी, आप भी दूध का दूल्हा हुआ नहीं है, लोग जानता है, सारा अरुणाचल जानता है टोको शीतल कैसे है। हम तो एक छोटा सा गली में रहने वाला है, हमारा कैरेक्टर हमारा फैमिली मालूम है,
हमारा जो कम लोग मालूम है हम कैसे इंसान हैं। आज हम जो दुनिया का सामने में सारा अरुणाचल हमको ट्रोल कर रहा है, ये आपने मजबूर किया है और कमिटी ने मजबूर किया है, आप लोग ने मिलके हमको मजबूर किया है, आप लोगों ने मिलके हमको धोखा दिया है। अगर आप लोग हमें धोखा नहीं देता तो आज हम इतना तक भी गिरा हुआ इंसान लोग हमको इतना ट्रोल नहीं करना चाहिए। हम भी ऐसे इंसान नहीं हैं जो लोगों को धोखा देगा। मेरा माँ पिताजी मालूम है हम कैसे इंसान हैं, मेरा अंकल आंटी मालूम है, मेरा फैमिली मालूम है, मेरा भाई भैया मालूम, भाभी सब मालूम है हम कैसे इंसान हैं। हम भी इतना खराब इंसान नहीं है, हम भी छोटा से लेकर के आज तक कभी गलत किसी को धोखा नहीं दिया। आज हम इसलिए कर रहे हैं, आप लोग ने हमको मजबूर किया है। अगर आप लोग ने हमें रिस्पेक्ट करके साथ में ले जाता तो हम आज दुनिया का सामने में ये मैसेज नहीं देना पड़ता था। आपका वजह से आज हम ये स्थिति में रहना पड़ा है, दुनिया का नज़र में हम गिरना पड़ रहा है, लोग हमको ट्रोल कर रहे हैं। आप लोग अगर ऐसे पॉलिटिक्स गंदा पॉलिटिक्स नहीं खेलता तो आप लोग का गंदा पॉलिटिक्स का वजह से आज हम दुनिया का नज़र में हम गिरा हुआ है। और सारा जनता जो भी आज हमको ट्रोल कर रहा है, आप लोग भी अंदर का चीज़ को जानने के लिए कोशिश कीजिए। आप लोग को मैं वही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग भी चीज़ को अच्छा से समझना है, ये क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। सिर्फ ऐसे ही किया बोल के और गाली देने से नहीं होता, आपको भी समझना चाहिए कहाँ भाई ऐसे क्यों कर रहा है, रीजन को भी समझना है। और हमको जो अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी एफआईआर दे रहा है, प्लीज़ आप लोग अपना पेन और पेपर को लॉस मत कीजिए, क्योंकि ये देश धरना बेटा और हम गला पढ़ के चिल्लाया, आप लोग कहाँ था। आज भी आप लोग हमारा ऊपर में एफआईआर दे रहे हैं, कभी रीज़न पूछा है आपने ऐसे क्यों किया है। जानने के लिए कोशिश तो आगे कीजिए, आगे जानने के लिए आगे कोशिश तो कीजिए। विदाउट नॉलेज में ऐसे किया है बोल के और अपना पेन और पेपर को लॉस करने से, एनर्जी लॉस करने से नहीं होता है, आप लोग भी समझना है। चौथा भाई ऐसे क्यों किया है। और अभी हमारा जो स्पेशली हमारा भाई भैया लोग हमको ट्रोल कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग से भी निवेदन है, अपना छोटा भाई को इतना तक गिरा हुआ इंसान ना समझे। मैं भी अच्छा इंसान हूँ लेकिन कोई मुझे मजबूर किया गया है, ये हमने जान पूछ के नहीं किया है, मुझे मजबूर किया है, हमें अंदर इस्टीमेट किया गया है, हमको दबाया गया है, इसलिए हम भी मजबूर था और इसलिए हम ये कदम उठाना पड़ा। थैंक यू सो मच।